हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बना है, जिसकी भी तरह से बधाई देते थे आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। यही है जीवन की विकास की क्रम की यात्रा, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने संस्कृति कहा है, बीज का वृक्ष बन जाना यह संस्कृति है, बीज का सड़ करके नष्ट हो जाना यह है विकृति। लेकिन भारत की ऋषि परंपरा के अनुरूप यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक हॉस्पिटल से आज इंस्टीट्यूट बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर भारत के अंदर चिकित्सा स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह संस्थान की एक उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए पूरे संस्थान को इससे जुड़े हुए यहाँ के जितने यहाँ के प्रबंधन समिति से प्रबंधन से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, इन सबको, जितने भी लोग हैं पैरामेडिक्स हैं या और भी जितने भी लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। यही है जीवन की यात्रा। अच्छा करेंगे तो अच्छे परिणाम हम सबके सामने आएंगे, गलत करेंगे तो उसके दुष्परिणामों से हम स्वयं भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। संस्थान बना देना भर मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता, किन हाथों में है और कैसे उसको संचालन होना है। अच्छे हाथों में होगा तो संस्थान फलेगा फूलेगा, एक संस्कृति की तरह आगे बढ़कर के अन्यों के लिए प्रेरणादायी बनेगा और आपके द्वारा किए गए परिश्रम, आपके द्वारा किया गया कुशल का लाभ जनता जनार्दन को ही प्राप्त होगा। देश के भागीदार न केवल संस्थान बनता है बल्कि विभाग और सरकार भी उस देश के साथ भागीदार बन जाती है। लेकिन अगर संस्थान शासन ने धनराशि दी, संस्थान बन गया, गलत हाथों में चला गया, उसकी दिशा गलत हो गई, उससे मिलने वाले अभियस का भागीदार भी न केवल उससे जुड़े हुए लोग और संस्था, अभी तो विभाग के साथ साथ शासन भी अभियस के साथ बराबर का भागीदार बन जाता है। आम जनमानस के मन में एक पीड़ा झलकती है संस्थान या किसी भी ऐसी संस्था के द्वारा जो सही दिशा में नहीं बढ़ती है, उसके माध्यम से जो पीड़ा उसे प्राप्त होती है, उसके कारण उसके द्वारा उस समय जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है वही ऑब्वियस है। और आज जब हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ी सिटी है। लगभग 70 लाख की आबादी अकेले लखनऊ में निवास करती है और जब हम आरएलएल की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक गेटवे है, वहां की पूरी भीड़ पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या पश्चिमोत्तर बिहार या नेपाल, यहां की एक बड़ी आबादी अपने स्वास्थ्य की सुविधा के लिए लखनऊ पर निर्भर करती है, लखनऊ में आती है और लखनऊ में उनका सबसे पहले मुकाबला पड़ता है
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से, वे संस्थान में आए हैं और इस संस्थान से जो सुविधा उन्हें प्राप्त होती है उस प्रकार की उनकी सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी हम सबको सुनने को मिलती है। एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश की, 25 करोड़ की आबादी, जब कोई उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है, दुनिया को कोई व्यक्ति मिलता है, कोई राजनयिक मिलता है और जब उत्तर प्रदेश की आबादी के बारे में सुनता है तो वह स्वयं चौंक जाता है कि 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। तो फिर पूछता है कि क्या यह 25 करोड़ की आबादी का है राज्य या 25 लाख का? हम कहते हैं 25 लाख के तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो नगर निकाय है उनकी आबादी 25 लाख है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है। तो वे चौंकते हैं आबादी, लेकिन जहां ये हमारे लिए एक चुनौती होती है, लेकिन वही साथ ही साथ हमारे सामने यह एक अवसर भी होता है अपने लिए तमाम प्रकार के कार्यों को सेवा के साथ साथ अपने तमाम प्रकार के रिसर्च एक्टिविटी को भी बताने, देखने और स्टडी करने का भी एक माध्यम यह बन सकता है। और मैं अक्सर देखता हूं, मैंने जब आपकी वार्षिक प्रतिवेदन को यहां पर संस्थान के डायरेक्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था तो उन्होंने संस्थान के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की थी और इसके बारे में ब्यौरा भी दिया गया कि संस्थान यूजी, पीजी और फिर सुपर स्पेशलिटी के तमाम विभागों का संचालन आज सफलतापूर्वक कर रहा है। संस्थान एक छोटे से हॉस्पिटल से पढ़कर के आज 1300-1400 बेड का एक बड़े संस्थान के रूप में आज विकसित होकर के उस प्रकार की सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की दिशा में भी संस्थान आगे बढ़ चुका है, उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं। ये सभी चीजें वे अपने प्रतिवेदन के साथ यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे, अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रस्तुत कर रहे थे कि संस्थान ने और क्या कुछ किया है और आगे की हमारी कार्य योजना क्या है। ये किसी भी संस्थान के द्वारा अपनी वार्षिक स्थापना दिवस के अवसर पर इस प्रकार का प्रतिवेदन देना स्वाभाविक ही होता है कि हम अपने को आकर अपना चयन कर सके और भविष्य की कार्य योजना को फिर उसके लिए तैयार कर सके, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। और संस्थान ने उस कार्य योजना को यहाँ पर प्रस्तुत करते समय इन सब बातों को यहाँ पर उल्लेख किया कि हमें क्या क्या कुछ हमारे पास है और उसी में ये भी आया था कि हमारे कितने स्टडी पेपर है, कितने पब्लिकेशन है, कितने पेटेंट हमें प्राप्त हुए हैं। ये आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपके पास जो पेशेंट आता है और पेशेंट आपने यहां पे लगभग 9 लाख पेशेंट ओपीडी में देखे, 50,000 से अधिक ऐसे थे जिनको आईपीडी ने आपके यहां पर इंडोर फैसिलिटी उपलब्ध करवा करके उनका उपचार करके सफलतापूर्वक फिर उन्हें यहां से उपचारित करके उन्हें यहां से उनके घर की तरफ प्रस्थान कराए। वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आप लोग यानी लाखों की संख्या में लोगों को यहां पे उपचार कराते रहे हैं और मुझे लगता है अगर उसके डाटा भी हर एक डॉक्टर के द्वारा तैयार करके सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके द्वारा तैयार होकर के अगर उस पर भी स्टडी हो और फिर उसी स्टडी को आगे बढ़ा करके आप कार्य करेंगे तो मुझे लगता बड़ा लाभ इसके माध्यम से न केवल आपको बल्कि आने वाले पेशेंट को भी प्राप्त होने वाला। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, हम लोगों को स्वयं में विश्वास नहीं होता और अक्सर होता है कि हम लोग इन बातों से परेशान होते हैं कि आज दुनिया के अंदर क्या कुछ है उसकी तरफ भागते हैं, अपने स्तर पर नहीं।
मैं अक्सर देखता हूं कि डॉक्टर के बारे में कहा जाता है जितना अनुभवी होगा उतना उसका लाभ मिलता है और उसका लाभ अनावश्यक कभी नहीं होता, उसका अनुभव व्यवहारिक होता है। मैंने अक्सर इस चीज को देखा है। मेरे हाथ में एक समस्या आ गई, मैं परेशान था। मैंने एक संस्थान में जाके 2 वर्ष पहले ऑपरेशन कराया, फिर से समस्या खड़ी हो गई। मैं अचानक गत सप्ताह गोरखपुर गया था, एक डॉक्टर मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा आपके हाथ में पट्टी मुझे अच्छी नहीं लगती है, अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो मैं इसको देख लूं। वो बेचारा चुपचाप अपने जेब में एक इंजेक्शन भी लेके आया था। मैंने कहा यार देखो इंजेक्शन तो नहीं लगाऊंगा, आपको देखना है तो वैसे देख लो। और मैंने कहा मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाए हैं, अब एक सामान्य डॉक्टर हैं। उसने कहा नहीं मैं केवल देखूंगा, करूंगा वही जो आप बोलेंगे। उन्होंने कहा देखो ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी एक दिन देख रहे थे, उन्होंने दवाई, उन्होंने कहा इसमें पेन तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा पेन तो नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा देखिए मैं अभी इसको ठीक करवा देता हूं। मैंने कहा मुझे बताओ कितना इसमें खर्चा लगेगा। देखिए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा खर्चा नहीं लगेगा, मैं उसके बाद आपके साथ एक सेल्फी लूंगा। देखिए उन्होंने एक बात कही, और आप आश्चर्य करेंगे आपके लिए भी यह एक असंभव जैसी बात लग रही होगी, लेकिन उन्होंने आधे मिनट में उसको मेरा ठीक कर दिया। मेरा हाथ एकदम ठीक है, आधा मिनट में, आधा मिनट में उन्होंने मेरा हाथ सही किया और कहा कि देखिए कुछ नहीं है ये, अनावश्यक ऑपरेशन के चक्कर में आप पड़ते और फिर 6 महीने के बाद फिर आपको वो समस्या खड़ी करता। और मुझे लगता